एक पिता और पुत्र थे। पुत्र का मानना था कि हमारे जीवन में जितने ज्यादा मित्र हो उतना ही अच्छा है, जितने ज्यादा संपर्क हो उतना ही काम अच्छे से होता है और उतना ही वो हमें मदद करते हैं। लेकिन उसके पिता का यह मानना था कि चाहे बहुत ज्यादा मित्र ना हो पर बहुत अच्छे मित्र हो, चाहे एक ही मित्र क्यों ना हो पर वो हमारे सारे सुख और दुख में हमारा साथ दे। पुत्र इस बात को नहीं मानता था और वो कहता था कि अगर हमारे इतने कम मित्र रहेंगे तो हमारे काम कैसे होंगे और हम जीवन में कैसे चल पाएंगे। तब उसके पिता ने कहा कि चलो आज एक परीक्षा करते हैं, आज रात को हम घर से बाहर निकलते हैं और तुम मुझे अपने मित्र के पास ले चलो, देखते हैं कि कौन कैसी सहायता करते हैं। और पिता ने कहा कि सिर्फ मेरा एक ही मित्र है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ और तुम मुझे अपने मित्रों के पास ले चलो। तब पुत्र ने कहा कि चलो इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे सभी दोस्त मेरी सहायता करेंगे। उसके बाद रात को पिता और पुत्र दोनों ही घर से बाहर निकलते हैं। उसका पुत्र सबसे पहले अपने पहले मित्र के पास आया और दरवाजे पर दस्तक दी और आधी रात का समय था। पुत्र ने आवाज़ लगाई और कहा कि क्या तुम अंदर हो, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तब उसके घर से अंदर से आवाज़ आई कि वो अब सोने जा रहा है और तुम कल आना। तब पुत्र ने कहा कि नहीं, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है। दोस्तों इतने में ही उसके मित्र की भी आवाज़ आई कि मैं अभी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तुम कल मेरे घर आना। पुत्र के दिल को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुँचा क्योंकि वो उसका सबसे खास दोस्त था। ऐसे ही वो अपने सभी मित्रों के घर चला गया, लेकिन सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया, जैसे कि वो घर में नहीं है या बीमार है, और किसी ने भी उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। अब उसके पिता ने कहा कि मेरा सिर्फ एक ही मित्र है, चलो उसके पास चलते हैं। पिता ने अपने मित्र के घर दस्तक दी और जैसे ही उसके मित्र को आवाज़ लगाई तो अंदर से उनका मित्र दरवाज़ा खोलकर एक हाथ में पैसों की थैली और एक हाथ में लाठी लेकर बाहर आ गया। अरे भाई, हमने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं है और आप एक हाथ में पैसों की थैली और एक हाथ में लाठी लेकर बाहर आए हो, ऐसी क्या बात है। तब उसके पिता के मित्र ने कहा कि आधी रात को कोई इंसान किसी के घर में आपत्ति काल में ही आता है। अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ है या कोई मुसीबत आई है या कोई आपको सता रहा है तो मैं तुम्हारे पिता के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, या अगर कोई बीमार है या कोई इमरजेंसी है तो मैं ये पैसे लेकर आया हूँ जिससे मैं उनकी सहायता कर सकूँ। दोस्तों इसके बाद पुत्र के पिता ने पुत्र से कहा कि हमारा झूठे रिश्तों के बजाय एक सच्चा रिश्ता बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों हमारा मित्र ऐसा हो जिससे हम दिल की हर बात बता पाए बिना घबराए, बिना सोचे, जिससे कुछ छिपाना ही ना पड़े।